आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नकली गुटखा बनाने की एक फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और लाखों का सामान बरामद किया। नकली गुटखा बनाने वाले एक लंबे अरसे से नौगांव में इस काम को अंजाम दे रहे थे। नौगांव में एक बार फिर अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की खबर आई है। पुलिस ने नौगांव में ग्राम बरा में बड़ी छापामारी करते हुए नकली राशरी की फैक्ट्री से लाखों का सामान बरामद किया। बता दें कि यहां से पहले भी पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए नकली शराब और गुटखा पकड़ा था। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूचना मिली थी, हम लोग गश्त पर थे, सूचना मिली कि बरा गांव में वो कोई हरीश साहू करके है, वो परासर जी के मकान को किराए पर लेकर गुटखा फैक्ट्री संचालित कर रहा है। सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हरीश साहू मिले और एक कमरे पर दो गुटखा पैकिंग की मशीनें मिली और उससे राशि गुटखा बनाया जा रहा था। जो हम लोगों ने इसको जब्त किया है, जब्त करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कौन सा गुटखा बना रहे थे? कब से बना रहे? 6 महीने। किसके लिए बना? ये ऋषि साहू। कहाँ के ऋषि? छतरपुर। कितने का माल होगा आज आपके पास जो पकड़ा गया? ये 20,000-25,000। एक महीने में कितना कमा लेता है? एक महीने में 8-10,000। नकली गुटखा बनाने वाले और कच्चा माल कानपुर से मंगाया जाता है। युवक ने व्यापारी का नाम रेशु साहू बताया। साहू काफी लंबे अरसे से इस काम में लिप्त है। पुलिस की माने तो रेशु साहू नकली गुटखा बनाने का काम हरीश साहू के साथ करता है। मौके पर करीब 70,000 का राशि गुटखा, कच्ची सामग्री, तंबाकू और लगभग इतने ही रुपए का KNC गुटके पाउच बरामद हुए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।